रोल प्ले हाल ही में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी शुरुआत होती है एक एमा नाम की लड़की को दिखाते हुए जो कि फोन पर किसी राज नाम के आदमी से बात कर रही होती है। राज उसको गाइड कर रहा होता है और बताता है कि उसकी तरफ एक आदमी आ रहा है और एमा को उसे मारना है। वो आदमी जैसे ही एमा के पास आता है एमा उसका मर्डर कर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है यानी वो पैसों के लिए लोगों का खून करती है। सीन शिफ्ट होता है और एमा अपने घर जाती है जहाँ पर हम उसके हस्बैंड डेव और बच्चे कैरोलीन और वाइट को देखते हैं। एमा की फैमिली में कोई भी उसके इस काम के बारे में नहीं जानता। देव को लगता है कि एमा अपने काम से रिलेटेड बिजनेस ट्रिप पर जाती रहती है अगर वो घर में झूठ बोलकर लोगों का खून करने जाया करती है। और आज तो एमा और देव की वेडिंग एनिवर्सरी है। देव तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है लेकिन एमा तो इस बारे में भूल ही गई थी कि आज उसकी एनिवर्सरी है। देव को इस बात से बुरा तो लगता है पर वो एमा से कुछ भी नहीं कहता। उसे और एमा को फिर से राज की कॉल आती है। वो एमा को लोगों की इन्फॉर्मेशन और मर्डर करने के लिए पैसे दिया करता है। राज एमा से कहता है कि वो डार्क नेट की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई है पर उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज ने उसकी फोटो वहाँ से हटा दी है। लेकिन वो ये भी कहता है कि सोवरेन नाम के एक ग्रुप ने एमा को मारने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है तो एमा को संभल कर रहना होगा। अगले दिन डेव और एमा एक गेम प्लान करते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन के लिए वो दोनों अजनबी बन जाएंगे और अजनबी बनकर होटल में मिलेंगे ताकि उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। एमा अपने घर डेव की बहन मॉली को बुलाती है और उससे कहती है कि क्या वो उनके बच्चों का ख्याल रख सकती है। मॉली कहती है कि उन्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उनका ध्यान रख लेगी। और एमा रॉयल ग्रैंड नाम के एक होटल में पहुंचती है और डेव का वेट करने लगती है। इसी समय वहां पर एक बॉब नाम का आदमी एमा को ड्रिंक ऑफर करता है। वो एमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। बॉब एमा से बार बार कह रहा था कि उसने एमा को कहीं देखा है लेकिन एमा उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसी समय वहाँ डेव भी आ जाता है लेकिन वो गेम के अकॉर्डिंग अजनबी बनकर साइड में खड़ा हो जाता है और एमा और उस आदमी को देखने लगता है। बॉब के वहाँ से जाने के बाद फिर एमा और डेव मिलते हैं और एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो पहली बार मिल रहे हों। साथ ही अपने नाम भी गलत बताते हैं। डेव अपना नाम जैक बताता है और एमा अपना नाम एलिस बताती है। लेकिन तभी वहाँ बॉब फिर से आ जाता है और एमा और डेव के साथ ड्रिंक करने लगता है। बॉब बार बार एमा से उसके काम के बारे में पूछ रहा था जो कि एमा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है तो एमा उसकी बात को इग्नोर कर देती है और काम के बारे में बात करने से मना करती है। बॉब एमा से कहता है कि वो इसी होटल में रुका है और एमा को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसके रूम पे आ सकती है। उसके बाद डेव और एमा अपने रूम में चले जाते हैं। ज्यादा ड्रिंक करने के कारण डेव तो सो जाता है लेकिन एमा उसके बाद बॉब के रूम पे जाती है। बॉब के हाथ में एक गन होती है। एमा उससे पूछती है कि वो कौन है और क्या चाहता है। बॉब कहता है कि उसने एमा को देखते ही पहचान लिया था कि वो वही लड़की है जिस पर सॉवरेन ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। बॉब एमा से कहता है कि अगर वो उसके साथ डील करेगी तो बॉब उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा लेकिन एमा इस डील के लिए मना कर देती है और कहती है कि अब बॉब मरने वाला है। दरअसल एमा को बार में ही बॉब पर शक हो गया था कि वो उसके बारे में जानता है इसलिए उसने बॉब की ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था। ये बात सुनकर बॉब गुस्सा हो जाता है और एमा पर गोली चलाता है लेकिन एमा भी उसे एक टेबल पर गिरा देती है जिससे बॉब की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद एमा अपने रूम में जाती है तो डेव जाग गया था। एमा से पूछता है कि वो कहाँ गई थी जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो पेन किलर लेने गई थी। अब अगले दिन एमा और डेव घर जाते हैं। एमा राज को कॉल करके कल के हादसे के बारे में सब कुछ बताती है कि बॉब ने उसे पहचान लिया था इसलिए एमा को उसे मारना पड़ा और अब एमा चाहती है कि वो राज के पास चली जाए। दूसरी ओर डेव को उसकी बहन मॉली की कॉल आती है जो बताती है कि आप लोग कल जिस होटल में गए थे वहाँ किसी का मर्डर हो गया है। डेव न्यूज देखता है तो वहाँ पर बॉब की फोटो थी और लिखा था कि लास्ट टाइम उसको एक आदमी और एक औरत के
साथ देखा गया था, जिन पर पुलिस को शक है। ये देखकर डेव बहुत डर जाता है क्योंकि उन दोनों ने ही बॉब के साथ ड्रिंक की थी। डेव एमा को बताता है कि ये न्यूज जरूर उन्हीं दोनों के बारे में है। एमा भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। एमा डेव से कहती है कि वो फिर से एक बिजनेस ट्रिप पर बॉय से जा रही है और मंडे तक वापस आ जाएगी। डेव पहले तो उसको जाने से मना करता है, लेकिन फिर एमा के समझाने पर वो मान जाता है और उसे जाने देता है। अब मंडे को डेव उसे लेने एयरपोर्ट जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती और ना ही उसकी कॉल उठाती है। डेव को वहाँ पर बहुत देर हो जाती है तो वो थक हार कर घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी दो डिटेक्टिव वहाँ आकर पूछताछ के लिए डेव को अपने साथ ले जाते हैं। डेव को बताते हैं कि उसकी वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ऐसी लड़की की आइडेंटिटी यूज कर रही है जिसकी मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। डेव को तो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता। वहाँ कार्वर नाम की एक एजेंट को बुलाया जाता है। वो बताती है कि बॉब जिसका मर्डर हुआ है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो करीबन 30 लोगों का मर्डर कर चुका था। उसके बाद एजेंट कार्वर उसे राज की फोटो दिखाती है जो कि डार्क वेब की ब्लैक मार्केट में काम करता है। फिर उसे एमा की फोटो दिखाई जाती है जिसका असली नाम एमा नहीं बल्कि आना पेलर है। ये सब देखकर तो डेव हैरान ही हो जाता है, लेकिन उसे फिर भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। पूछताछ के बाद डेव को वहाँ से जाने दिया जाता है। वो घर आकर एमा का सामान चेक करने लगता है। उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, विक और गन्स मिलती हैं। अब डेव सब कुछ समझ गया था। दूसरी ओर हम एमा को देखते हैं जो बॉयसे में नहीं बल्कि बर्लिन में राज के साथ है। एमा राज से कहती है कि उसे ये काम छोड़ना है, इसलिए उसने डेव और अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट्स बनवाए हैं। उसी समय एमा नोटिस करती है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। एमा राज को कार रोकने को कहती है और भीड़ में लोगों के साथ मिल जाती है। एक लड़की और एक लड़का एमा का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एमा भी बड़ी चालाकी से उन दोनों को मार डालती है। वो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। के बाद वो जल्दी से कार में बैठ जाती है, पर एक लड़का आकर उन पर हमला करने लगता है। कार ड्राइव करके वहाँ से निकल जाते हैं, पर एक बुलेट राज को लग गई थी, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब एमा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अब उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहीं दूसरी ओर एमा का सामान में मिले कुछ कार्ड्स पर नंबर लिखे थे, जिन पर डेव कॉल करने लगता है। उनमें से एक नंबर राज का भी था। एमा देखती है कि राज के फोन पर डेव कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाती है तो डेव कहता है कि आखिर तुम कौन हो, ये नंबर मुझे तुम्हारे सामान से मिला है और मैं वहाँ अभी के अभी आ रहा हूँ। एमा कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और डेव वहाँ ना आए, लेकिन डेव उसकी एक भी बात नहीं सुनता और पहुँच जाता है सीधा बर्लिन। वहाँ वो एमा से एक बार में मिलता है। अब एमा डेव को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो पैसों के लिए लोगों को मारती है, लेकिन अब वो इस काम को छोड़ना चाहती है, इसलिए उसने डेव और बच्चों के लिए पासपोर्ट्स भी बनवाए हैं ताकि वो और उसकी फैमिली किसी सेफ जगह पर रह सके। एमा बताती है कि उसके फादर ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी जिसका नाम सॉवरेन ग्रुप है, लेकिन उसके फादर को मार दिया गया। ग्वेन कार्वर जो कि उनके साथ ही एजेंट थी उसने एमा को एडॉप्ट कर लिया, फिर उसको ट्रेंड किया इस काम के लिए। दरअसल कार्वर कोई एजेंट नहीं है बल्कि सॉवरेन ग्रुप का ही हिस्सा है। बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सॉवरेन के कुछ लोग आ जाते हैं और एमा और डेव को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। एमा की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है। ये घर एक जंगल के बीच बनाया गया था। एमा को कुछ आवाजें आती हैं और वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि कार्वर उसके बच्चों को यूएस से ले आई है। एमा बच्चों को देखकर काफी डर जाती है और कार्वर से पूछती है कि डेव कहाँ है, लेकिन कार्वर उसे कुछ भी नहीं बताती। बच्चों को एक कार्लो नाम के लड़के के साथ भेज देती है। अब कार्वर एमा से कहती है कि वो ये काम नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे इस काम के लिए ही ट्रेंड किया गया है, लेकिन अगर एमा चाहे तो अपने बच्चों को यहाँ अपने साथ सेफली रख सकती है, पर उसे डेव को मारना होगा क्योंकि वो उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है। एमा भी मान जाती है और डेव को मारने के लिए जंगल में ले जाती है।
हम देखते हैं कि एक स्नाइपर उन पर नजर रख रहा होता है। एमा डेव से कहती है कि वो उसको हक करे और डेव जैसे ही एमा को हक करता है वो उसे शूट कर देती है। अब एक लड़की डेव को उठाने आती है और एमा एक पेड़ की आड़ में उस लड़की को भी गोली मार देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब स्नाइपर को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर वो सब गए कहाँ। लेकिन तभी एमा उसके पास आती है और उसे भी मार डालती है और फिर उसके बाद वो डेव के पास जाती है। दरअसल डेव अभी जिंदा है क्योंकि एमा ने उसे ऐसी जगह पर गोली मारी थी जिससे वो नहीं मरेगा और डेव से मरने का नाटक करने को कहा था। एमा डेव को एक गन देती है जिससे वो खुद को सेफ रख सके। फिर वो वापस से उस घर में जाते हैं। वहाँ पर एमा की फाइट एक लड़की से होती है। एमा उस लड़की को तो मार देती है पर कार्वर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। एमा भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है जहाँ वो एक दूसरे पर फायरिंग करती है। लेकिन क्योंकि कार्वर की गन में बुलेट्स खत्म हो जाती है इसका फायदा एमा उठाती है और कार्वर को शूट कर देती है। फिर एमा अपने बच्चों और डेव के पास जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।